गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बड़े भाई साहब पाठ के अगला अंश पढ़ेंगे। फेल होने के बाद में बड़े भाई साहब के व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो गया। वो समझ गया कि अपने छोटे भाई को डांट करने की अवकाश उनमें नहीं रहा। इस अवसर छोटे भाई बहुत आसाद हो गया। वो दिन भर खेलने के लिए बाहर जाते थे। फ्रेंड्स, All of you open your textbooks. Page number 60. अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनके सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो दौड़ा बहुत पट्टिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही बेंड होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बजाकर कनकवे उड़ाता था। After his failure, Bede Bhai himself felt that he has no right to advise Chota Bhai. Chota Bhai utilized this opportunity and play outside with the kites. पाठ भाग के अंतिम अंश, पेज नंबर 63। भाई साहब ने मुझे गले से लिखा लिया और बोले, मैं कनकवा उड़ाने को मना नहीं करता। मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? गुद बैराग चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसी करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कड़ा हुआ कनकवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे है ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेदहाश हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। अभी उनके ऊपर एक खड़ी हुई पतंग उछल कर रही थी। बड़े भाई लंबे होने के कारण उस पतंग को पकड़ लिया और हॉस्टल की ओर दौड़ा। उसी समय छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति सम्मान भाव पैदा होता है। इस प्रकार कहानी का अंत हुआ। While playing, a broken kite fly near to them. That time, बड़े भाई साहब, who was taller one, caught that kite easily and ran to hostel. छोटे भाई follow बड़े भाई साहब with joy. छोटे भाई felt respected to his brother Bede Bhai Sahab. Premchand's famous story Bede Bhai Sahab ends here. Okay students, your notes and test paper attached with this video. All of you read this lesson 2 or 3 times. Stay home, stay safe, learn well.